नमस्कार साहित्य अकादमी के वेबलाइन साहित्य श्रृंखला के अंतर्गत आयोजित कथा संधि कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि साहित्य अकादमी अपने द्वारा मान्यता प्राप्त 24 भाषाओं में विभिन्न तरह की गतिविधियां चलाती है, जिसमें पुस्तक प्रकाशन पुरस्कार के अलावा कार्यक्रमों का आयोजन भी है। और कार्यक्रमों के आयोजन के संदर्भ में अकादमी संगोष्ठी परिसंवाद कार्यशाला के अलावा अलग अलग कार्यक्रम श्रृंखलाओं का आयोजन करती है, जिसमें कथा संधि कार्यक्रम श्रृंखला एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम श्रृंखला है, जिसके अंतर्गत हम किसी भाषा के विशिष्ट कथाकार को, शीर्षस्थ कथाकार को, जो एक बहुत महत्वपूर्ण कथाकार है उस भाषा का, उसको एकल कहानी पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। इस कार्यक्रम में हमारी अपेक्षा होती है कि जिस कथाकार को हम आमंत्रित कर रहे हैं, वे कथाकार अपने कथाकार बनने की कहानी हमें बताएं कि कैसे वो किस तरह की प्रेरणा पाकर के वे कथाकार बने और यहाँ तक ऐसी पोजीशन तक पहुंचने में उनको किस तरह का, कहाँ से सहयोग असहयोग मिला, इस तरह के कुछ कटु मधु अनुभव सुनाए हमें और किस तरह से वे अपनी कहानियां गढ़ते हैं, कुछ अपनी रचना प्रक्रिया के बारे में भी बताएं संक्षेप में। तो 15-20 मिनट का इस तरह का वक्तव्य हो उनका और उसके बाद वो अपनी कहानी पढ़े। जो नई कहानी वो लिख रहे हैं या कोई उपन्यास लिख रहे हैं तो उसका कोई एक अंश सुनाए, उसका कोई हिस्सा सुनाए वे हमें 15-20 मिनट का। और इस बीच यदि श्रोताओं की तरफ से यदि कोई प्रश्न आता है तो उस प्रश्न का उत्तर भी वे दें। तो जब फिजिकली प्रोग्राम होता था तब तो आमने सामने श्रोताओं की तरफ से सवाल आते थे और कथाकार के द्वारा उसका जवाब दिया जाता था, लेकिन अभी ऑनलाइन कार्यक्रम हम लोग आयोजित कर रहे हैं अभी की परिस्थितियों में, तो ऑनलाइन कार्यक्रम के दौरान जो है मेरी गुजारिश होगी, जो भी हमारे YouTube के दर्शक हैं, जो YouTube पर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनसे अनुरोध होगा कि कमेंट बॉक्स में वे अपना सवाल छोड़ सकते हैं। और यदि वो सवाल हिंदी या अंग्रेजी में करें तो ज्यादा ठीक होगा, क्योंकि मैं उड़िया नहीं पढ़ पाता तो मैं वो सवाल जो है लेखक तक नहीं पहुंचा पाऊंगा। हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में उड़िया भाषा की प्रतिष्ठित कथाकार सरोजनी साहू जी हैं और उनसे हम उनकी रचना यात्रा के बारे में सुनेंगे। उसके पहले मैं बताऊं कि इस कार्यक्रम में हमारे साथ उड़िया भाषा परामर्श मंडल के संयोजक डॉक्टर विजयानंद सिंह जी भी उपस्थित हैं। कार्यक्रम के आरंभ में मैं चाहूंगा कि डॉक्टर विजयानंद सिंह जी सरोजनी साहू जी के जो उनके उनका जो साहित्यिक महत्व है ओडिया साहित्य के परिप्रेक्ष्य में, उसको रेखांकित करें। 2-4-5 मिनट वो समय लेकर के उनका एक संक्षिप्त परिचय भी प्रस्तुत करें। डॉक्टर विजयानंद सिंह जी, उनके वक्तव्य के बाद फिर हम सरोजनी साहू जी के पास जाएंगे। डॉक्टर विजयानंद सिंह जी, धन्यवाद। आज साहित्य अकादमी सबुठारु पाठक प्रिय एवं मर्यादापूर्ण कार्यक्रम कथा संधि आयोजन हो कार्यक्रम को आज उपस्थापन करोजना करम साहित्य अकादमी आंचलिक पूर्वांचल आंचलिक कार्यालय ये अच्छा आंचलिक अधिकारी बा आंचलिक सचिव कवि एवं लेखक आलोचक डॉक्टर देवेंद्र कुमार एवेस महोदय आज कथा संधि कार्यक्रम जे आकर्षण आलोचनार केन्द्रबिंदु जहाँ को आम शुणापी समस्ते समवेत हो मोर एकांत सम्माननीय एवं मोर प्रिय लेखिका मुझे अपावली संबोधन करे से मोर पाठक पठन क्षेत्र केवल नुहे रचना क्षेत्र रचना को विशेष गुरुत्व दिए
आम साहित्य उड़िया साहित्य विशिष्ट लेखिका डॉक्टर सरोजिनी साहू महोदया एवं ए कार्यक्रम सहित जोड़ी होता बंधुगण एवं सज्जन मंडल बंधुगण साहित्य अकादमी विभिन्न कार्यक्रम संपर्क आम आंचलिक सचिव कवि डॉक्टर देवेश आज सूचना दे कि संक्षिप्त भाव में कह कार्यक्रम कथा सन्धि कार्यक्रम अति सम्मान जनक कार्यक्रम जो मैंने कथा क्षेत्र में उत्तीर्ण जो मैंने कथा साहित्य को विशेष भाव प्रसारित कर पाठक मान प्रिय हो पार जो मान कथा साहित्य पाठक मान विशेष भाव आकर्षित कर भाई अग्रगण्य लेखक लेखिक को कथा सन्धि कार्यक्रम आम साहित्य अकादमी निमंत्रण कर केते कथा सुनवाई पाठक मैंने सुजोग पाई यही कार्यक्रम आज डॉक्टर साहू जोग देते जहाँ सबुठ आनंद विषय मुझे ये कार्यक्रम आरंभ डॉक्टर सरोजिनी साहू को हार्दिक अभिनंदन एवं शुभेच्छा जनाऊ डॉक्टर सरोजिनी साहू तो संपर्क में मुवल संक्षिप्त भाव में कतोटी कथा उल्लेख करी मुझे जानी थी 1980 परवर्ती उड़िया साहित्य 1981 मसीह बहुचर्चित ग्रंथटीए प्रकाश पाइला सुखर मुहांमु केजाने कहीं से बहटी पढ़ला सरोजिनी साहू को खोजी कौटी से अच्छा क्योंकि से लेखती कौन करती जीवन वृत्तांत कौन कि बंधुगण विशेष भाव में देखी थी विभिन्न कार्यक्रम से मत चिन्ह नथिले किंतु मुझे चिन्ह थी मुझे मुँह को देखी नी सहित मोर मुहांमी कथबार्ता है ना कि गल्प भितर शब्द भितर मुझे देखी थी चिन्ह थी आत्मा को अंतर अनुभव मुझे कहीं शुणी पारि उपलब्धि सरोजिनी साहू को मुझे चिन्ह थी विख्यात लेखक आम साहित्यर जड़े कथा साहित्यर अन्यतम दिग्दर्शक जगदीश महां धर्म भाव पुणी भेटी थी स्तंभ लेखिका न्यू इंडिया एक्सप्रेस रे स्तंभ लेखिका भाव में पर पुणी देखी थी इंडियन एज र संपादना क्षेत्र में सफलता यह सब क्षेत्र में मुझे पढ़े और संपर्क में जिते आलोचना कैम अन्न्य बही मुझे पढ़े विशेष भाव निज गहर निजे अमृत प्रतीक्षार जहाँ ओडिशा साहित्य अकादमी पुरस्कार 1992 पाई दादन सबुज उपत्य भाई बही कृति सहित मुहांमु शब्द सहित केजाणी कहीं मो अंतरात्मा अति संपर्कित हो सम्मान करे एवं आम साहित्य विशेष भाव में गोटे नुआ दिगा देवे से सफल होती सृष्टि सफलता मुझे यह भावे शोषित मनुष्य दुख नारी अंतर्दाह परवर्ती पर समाज चित्र विशेष भाव में सामाजिक जीवन में घटुवा घटना अघटन सति निष्ठार सहित शब्द से प्रतिफलित कर से पाठक मान को मुग्ध कर मुग्ध करता है नारी पुरुष मध्य जो प्रभेद विभिन्न क्षेत्र समस्या को देखिपार भर से देखी नारी सामना करुवा नारी प्रत्यक्ष करुवा जो प्रतिकूल परिस्थिति भितर जो अवस्था समस्या समस्या केवल कहते नुह समस्या को साधित करने समाधान करने मार्ग प्रस्तुत कर एवं विशेष भाव एक प्रतिकूल अवस्था भितर नारी मनस्तत्व और नारी चित्त संघर्ष को भाव में प्रकाश कर विशेष भाव में पाठक को मत स्पर्श कैं आनंद प्रदान कै मुशेष धन्यवाद देवी वास्तव स्थित को आकलन वास्तव स्थित को शब्द रूप देवे से जड़े अन्य लेखिका पारंपरिक समाज दृष्टि रचना केवल प्रतिबंधित हो नुहे मन विश्लेषण एवं जौन वास्तवत को ये सूक्ष्म भाव में आलोचना करफलित कर चेतनार प्रभाव कहले अतिक्ति हेना वामावद दृष्टिकोण रही कि वामावद दृष्टिकोण भितर पुरुष विरोधी मनोभाव प्रकाश पाई समाज भितर पुरुष एवं नारीर जो पवित्र संपर्क एवं अमृत संपर्क आज समाज सुंदर ही पार देखिपार उपलब्धि नारीर अधिकार नारीर स्वाधीनता एवं नारीर कर्तव्य बोध को सुचारू रूपे संपादित कर रचना माध्यम
मुझुची सरोजनी साहू और ना कहले ओडिया साहित्यर अनेक पाठक खुशी हमें रचना सब पढ़ती मोपर मुझे अनेक पुस्तक को पढ़े और पाखे रखी से उपलब्धि करे यही जो सरल निरीह जीवन बचुवा जो लेखिका कि भाव जीवन रटिलतम अवबोध को सी सामना करकाश कर दृष्टिकोण सरोजनी साहू आम साहित्य जो अन्य लेखिका आम प्रिय लेखिका ओडिया साहित्यर अशी परवर्ती ओडिया साहित्यर जन स्वतंत्र लेखिका बोली आज यही कार्यक्रम कहि मुझे स्वागत करुच्ची सी आज निज जीवन अभिव्यक्ति लिखवार उद्देश्य गल्प पढ़े ये सब भितर आम सहित किसी समय बीतवा मो गल्प सौभाग्यपूर्ण घटना पुणी थे मोर प्रिय लेखिका सरोजनी साहू को अभिनंदन जनाई ये कार्यक्रम को स्वागत करुच्ची देवेन्द्र कुमार देवेश को विशेष भाव में धन्यवाद दूसरी कार्यक्रम टी आज आयोजन कर कानूचरण महांती ओडिया साहित्य प्रख्यात औपन्यासिक प्रख्यात कथा साहित्यर लेखक जन्मदिन ये कथा साहित्यर जन्मदिन में आज आउ जन लेखिका को कथा साहित्य सफलता अर्जन कर लेखिका भेटा सुजोग सृष्टि केंद्र साहित्य अकादमी कार्यक्रम माध्यम पुणी थे समस्त स्वागत और धन्यवाद वंदे उत्कल जननी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विजयानंद जी, आपने बहुत ही सुंदर ढंग से सरोजनी साहू जी का परिचय दिया और उनके महत्व को प्रतिपादित किया। सरोजनी साहू जी के बारे में आपने एक परिचय दे ही दिया है, लेकिन हिंदी में मैं संक्षेप में दो तीन लाइन कहना चाहूंगा कि सरोजनी जी प्रतिष्ठित कथाकार, स्तंभकार, निबंधकार और संपादिका है। आपके 8 उपन्यास, 10 कहानी संग्रह प्रकाशित है। आपकी रचनाओं के अनुवाद हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला सहित अनेक भाषाओं में हुए हैं। आपको ओडिशा साहित्य अकादमी पुरस्कार, झनकार पुरस्कार सहित अनेक पुरस्कार सम्मानों से विभूषित किया गया है और किंडल मैगजीन कलकत्ता की उसके द्वारा जो एक लिस्ट तैयार की गई थी 25 एक्सेप्शनल वीमेन ऑफ इंडिया, तो उसमें आपको भी शामिल रखा गया था। तो ऐसी विदुषी कथा लेखिका हमारे बीच है। मैं अनुरोध करूंगा सरोजनी डॉक्टर सरोजनी साहू जी से कि वे अपनी कथा यात्रा के बारे में हमें बताएं और अपने कहानी का पाठ करें। उसके बाद डॉक्टर सरोजनी साहू जी, समस्त को मोर शुभेच्छा और नमस्कार। मो पिला दिन मु जन्म होई गोटे गड़जात शहर ढेंकानाळ रे, एवं मोर गोटे परिवार तथा गोटे व्यवसायी परिवार। व्यवसायी परिवार हेले मध्य साहित्य चर्चा होतला। मो बड़ बापा जने सफल व्यवसायी थिले, किंतु तांकर टेबल ऊपर गोटे रहुतला गोटे स्टूल ऊपर गोटे नाली खाता, सेठी से भीष्म कौन कहिले, द्रोण कौन कहिले, ए महाभारत कहानी को सब लिखुले, एवं जहाँ पर राग रोला कि अभिमान रोला से चिठी लिख छल पृष्ठा पृष्ठा व्यापी महाभारत कहानी उदाहरण दे कहते। छोट बेले आम से चिठी गुड़िक नहीं कि जाऊल पोस्ट ऑफिस पोस्ट बॉक्स पकड़ापाई डाक बक्स पकड़ा से चिठी पुणी फेरी आसूला। बेले बेले मो बापा अभिमान कर चिठी दौले दीर्घ चिठी, किंतु से चिठी थला महाभारत आलोचना। बापा कहीं भल भाई नुहत कहवा को जाकि महाभारत आलोचना करते। मो बापा छात्र अवस्था भल लिखुले। थे मुझे गप खाता देखिली एवं देखिली पढ़िली एवं जी प्रभावित ही नी मो बड़ भौणी जे क्लास पंचम श्रेणी रु लेखा आरंभ कर कविता गप ताकू देखिकी मोर लेखापी बहुत आग्रह है। मुझे जो षष्ठ श्रेणी में पढ़ुली प्रथम गप लिखिली एवं सही से गप ना था प्रीतम आत्मलिपि। से कौन सी बाहर मैगजिन बाहर नाला से प्रकृत गोटे स्कूल मैगजिन रे जो बाहर वर्षक थे से मोर गपटी बाहर। मो प्रथम गप बाहर 1971 मसीह प्रजातंत्र प्रचार समिति तरफ रू
जो साहित्य विभाग टी रोबार दिन होता रवि भाषारिय साहित्य विभाग से मो प्रथम गप बाहर उन्नीस एकस्तरी मसीह बारंबार मुझे लेखा दे उन्नीस बास्तरी आड़ को मोर आसंता काली गप बाहर उन्नीस पचस्तरी जिते मो अंडर ग्राजुएट मैंने बीए पास करनी मो गप झंकार बाहर झंकार बाहर से मो सार मैंने बहुत खुशी हो गले मत डाक कहले तू तो तो गप बाहर तो तोर गप मुझे हाँ सार मो गप से मैंने बहुत खुशी हेले मुझे बुझी पार नी खुशी कहीं कहते मुझे तो पठे लेखाटे बाहर मुझे भावुली झंकार जी एत प्रतिष्ठित पत्रिका मोर धारणा नाला आम घर को झंकार आसूला आसंता का आसूला बापा व्यवसायी हेले मत रात दसटा पर सब बड़े पत्रिका गुडा पढ़ुले से कि पत्रिका मोर धारणा था कि किए कौ स्टाडार्ड मुझे जान नी जाऊ भाव में मुझे लिखुली से लेखा तो लिखुली कि रूप देला दर्शन देला दिगंत प्रसारी करा जी सी हूँ मो स्वामी जगदीश महांती से मोर बाल्य बंधु अर्थात से आम गोटे सहर नुह कि से मोर सहपाठी नुह से मो पत्र बंधु थे पत्र बंधु जिते बड़े मु मात्र बार तेरह वर्ष बयस कैशोर रु जौवन आड़ को जाऊँ से ही समय से मोर बंधु एवं से चिठी गुड़िका से मोहन राकेश को आरंभ कर अमृता प्रीतम पर्यंत सब आलोचना सेमित थी गोपा साठ आरंभ कर दस्तभक्षी जाए सब आलोचना ये सब पढ़ी करी मोर मो जो चिंताधारा दिगंत प्रसारी होगा मुझे लिखला बेले बहु मात्रा रे आहरी व्यापक भाव जीवन को देखा आरंभ कली चिंता करी जो लिखला बेले से समय जगदीश महांती गोटे ओडिया साहित्य क्रेज थे जगदीश महांती कहले पत्रिका गुड़िक दुकान बिक्री हो जा गप बाहर से जगदीश महांती प्रभाव में परवर्त जिते लेखक लेखिका आसे अधिकांश अनेशत भाग लेखक लेखिका जगदीश महांती प्रभाव में प्रभावित थे मुझे प्रभावित थी मुझे भीषण भाव जगदीश महांती भाषा प्रभावित थी बाहर पूर्व कि एकाशी मसीह मो बाहर है एकाशी मसीह जिते बाहर है से मु रामपुर कोलियारी भाई गोटे छोट कोईला खणि की गली पश्चिम ओडिशा रो जोठी ओडिया लोक बहुत कम थे उत्तर प्रदेश बिहार पटर लोक बहुत थे खणि से संस्कृति की मुझे ग्रहण कर पारिनी से चाली चलन एवं सहर ठू बहुत दूर रे गोटे छोट जगार रहा गोटे बस्ती गोटे छोटिया टाउनशिप रहा भाई लगला दुकान बजार नाला मत बहुत छटपट लगु थाए जिते बड़े जगदीश पलाउ था अफिस् मुझे घरे बस बहुत कांदु थाए कहती दीटा डेणा हो जाता नहीं मुझे उड़ी पला सब भावुली कि समय मो गोटे मोहभंग होता वैवाहिक जीवन विशेषकर जो पारिपार्श्विक अवस्था एवं तापर मु सही समय बहुत गुड़े गप लिखिली जो गप गुड़ सब समय ही चर्चित हो तरली जाऊ दुर्ग जे मिछ मातृत्व को नहीं लिखिली किंबा अमृत प्रतीक्षार जो टीके पूर्व कहगला अमृत प्रतीक्षा गपटी जे गोटे स्त्री लोकर गोटे वस्तु जो ना से बड़ हुए गोटे स्त्री लोक पाखे जो छुआ ना लगे जीवन टा से गोटे मानने अपूर्ण जीवन टा अपूर्ण लगे कि गोटे छुआटे हो गला पर लगे एतिक टे प्राप्ति पाई से जीवन टा व्यर्थ लगुला तो ये जो रियलाइजेशन मो ये अनुभव मोर होता अभिज्ञता होता मु कटक तुलसीपुर गोटे नर्सिंग होम रे गोटे मस काल रही भितर मो रूम रे आउ जो आसुले रोगी मैंने चली जाऊे मुझ रही थी से दुर्दशा एवं मोर अवस्था मनीषर मनीष भितर जो आम जो आत्मीय कहू के संपर्क गुडाक पुणी ढिला जाए कई क्या प्रकृत रे से भल पाऊ से बुझी हुए ना बेले बेले दायित्व पड़े लोक बाप पुओ टू पुओ बाप अलग हूँ स्वामी स्त्री टू स्त्री स्वामी टू मान विराग रोच यही सब घटना को नहीं मैं गपटी लिखी थी बहुत दीर्घ गपटीए मो भितरे गोटे मो 99 मसीहार कथा मुझे गोटे गप लिखली रेप जो गपटी भितर कौन से रेप दृश्य ना
କିନ୍ତୁ ଗପର ନାଁ ହେଉଛି ରେପ୍ ଏବଂ ଏଇ ଗପଟି ବହୁ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ବିଦେଶରେ ଫ୍ରେଞ୍ଚରେ ସ୍ପ୍ୟାନିଶରେ ଇଂରାଜୀରେ ପେରୁଭିଆନରେ ବହୁ ଭାଷାରେ ପୃଥିବୀର ବହୁ ଭାଷାରେ ସେ ଗପଟି ଅନୁବାଦ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଲେଖିଲି କଥା ପତ୍ରିକାରେ ବାହାରିଥିଲା ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ବଡ଼ ବିତର୍କ ହେଇଥିଲା ଯେ ସେ କାହାଣୀଟି ବହୁତ ଛୋଟିଆ ଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାର ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର ନାହିଁ ଯଦି ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି ଏବଂ ତା ସ୍ୱାମୀକି କହିଦେଉଛି ଯେ ମୁଁ ଅମୁକ ଲୋକ ସହିତ ଟିକେ କ୍ଲୋଜରେ ମିଶିଯାଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ତା ସ୍ୱାମୀ କହୁଛି ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତମ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ତ ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଏମିତି କଥା ଗୁଡା କେହି କୌଣସି ଲେଖିକା କହୁନଥିଲେ ତେଣୁ ମୁଁ ବହୁତ ବିତର୍କ ହେଲା ବର୍ଷେ ଦୁଇ ବର୍ଷ କାଳ ବିତର୍କ ଆହୁରି 16 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବିତର୍କର ସାମ୍ନା ହେଇଛି 16 ବର୍ଷ କାହାଣୀଟି ଲେଖିବାର 16 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ରାତି ଅଧରେ ମୋତେ ଫୋନ କରିକି ଲୋକ ପଚାରିଛନ୍ତି ଏମିତି ଗପ କାହିଁ ଲେଖିଲେ ବୋଲି ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସେଇ ଗପ ମୋର ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିବି 1999 ଗପଟି ବାହାରିଥିଲା ଯଦିଓ ଓଡ଼ିଆରେ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଭାରତ ଭବନ ଯାଇଥିଲି ଭୋପାଳ ଭାରତ ଭବନରେ ମୁଁ ଗପଟି ହିନ୍ଦୀରେ ପାଠ କରିଥିଲି ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଟିକେ ତାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ବା ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ 90 ଦଶକରେ ମୁଁ ମୋ ନଷ୍ଟାଲଜିଆକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟୀ ପରିବାରର ଝିଅ ଗୋଟେ ଯୌଥ ପରିବାରର ଝିଅ ଆମ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ରୁ ବାହାରୁ ଆମ ବଂଶର 13 ଝିଅ ଆଉ 8 ଭାଇ ତ ଏଇ ଯୋଉ ସେ ଯୌଥ ପରିବାରରେ ଯେମିତି କିଏ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡ଼ା କଲେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଅପଡ଼ ହେଲେ କେମିତି ତାଙ୍କର ପଢିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଆଗ୍ରହ କେମିତି ପୁଅ ପିଲା ଆସିଲେ ଘରକୁ କେମିତି ଅଶାନ୍ତି ହୁଏ ଏଇ ସବୁ କଥାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ନଷ୍ଟାଲଜିଆକୁ ନେଇ ଗପ ଗୁଡିକ ଲେଖିଲି ଯୋଉଟା ସବୁଜ ଉପତ୍ୟକାରେ ବାହାରିଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଗପ ଗୁଡା ଯେତେବେଳେ ପତ୍ରିକାରେ ବାହାରୁଥିଲା ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ବହୁତ ମାନେ ସେମାନେ ମୋ ଗପକୁ ବହୁତ ଚିଠି ଆସିଲା ସେ ସମୟରେ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ତାପରେ ଆସିଲା 2000 ମସିହାର କଥା 2006ରେ ମୁଁ ଘରକୁ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆସିଲା ମୋର ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ମୋତେ କେକେ ମହାପାତ୍ର କମଳାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଗାଳ୍ପିକ କମଳାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ମାଗିଲେ ଗୋଟେ ଗପ ଗୋଟେ ଲେଖା ମାଗିଲେ ବାଇସାଇକେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମି ଇଂରାଜୀରେ ଗୋଟେ ଲେଖା ଦିଅ ତ ମୁଁ ସେ ବାଇସାଇକେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମିଟା ଲେଖିବା ପାଇଁ ଲେଖିକି ଦେଲି ଗୋଟେ 2 ପେଜ୍ର ଲେଖା ଦେଲି ତାଙ୍କୁ ସେ ବାହାର କଲେ କି ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅବଶ୍ୟ ଆମେରିକାରୁ ବାହାରିଲା ଦି ରାଇଡର୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ପତ୍ରିକା କିଥ୍ ନେଲସନ୍ ବୋଲି ସମ୍ପାଦକ ସେ ମୋଠୁ ନେଇଗଲେ ସେ ବହିଟି ଲେଖାଟିକୁ ଏବଂ ଆମେରିକାରୁ ବାହାରିଛି ଯାହା ହଉ ସେଇଠି ଲେଖିଲି ମୋ ବାଲ୍ୟକାଳ ଲେଖିଲି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଲେଖିଲି ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି ସେଇ ସମୟରେ ଆମ ବଂଶରେ କେହି ଝିଅ ନଥିଲେ ମାନେ ବଡ଼ ସବୁ ଥିଲେ ମୋ ବୟସର ଝିଅ ନଥିଲେ ମୁଁ ଭାଇମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶୁଥିଲି ତେଣୁ ଖଣ୍ଡା ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଗିଲି ଡଣ୍ଡା ଖେଳିବା କିମ୍ବା ଏଇଭଳି ପୁଅ ସାଇକେଲ ଚଢିବା ଏଇସବୁ କାମ କରୁଥିଲି ତ ସେତେବେଳେ ମୋର ଗୋଟେ ମୋ ଜନ୍ମ ମୋର କଥାଟା ଲେଖିଦେଲି ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି ମୁଁ 3:00 ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି ଶୀତ ଦିନ 3:00 ଏବଂ ବାପା ନଥାନ୍ତି ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ 3 ନମ୍ବର ଝିଅ ଆମ ଘରର ମା ରାତି ସାରା ବସିକି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ହେଲା କେମିତି ବାପାଙ୍କୁ ମୁହଁ ଦେଖେଇବ ସେଠୁ ସେ ରାତିରେ ମୋ ବାରମ୍ବାର ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲା ଯେ ଯେମିତି ପୁଅ ହେଇଯାଉ ଏବଂ ସେ ପ୍ରତିଥର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ଲୁଗା ଖୋଲିକି ଦେଖୁଥିଲା ମୁଁ ପୁଅ ହେଲି କି ନାହିଁ ଏ କଥାଟି ସେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାଜୁଏସନରେ ଥିଲି ବିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥିଲି ସେଇ ସମୟରେ ମୋତେ ଶୁଣେଇଥିଲା ତ ମୁଁ ଏଇ କଥାଟି ଲେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଲେଖାଟି ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ତିଆରି କଲି ସରୋଜିନୀ ସାହୁ blogspot.com ଏବଂ ସେଥିରେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖାଟି ଗଲା ଜଣେ ଲିସବନ୍ ମାନେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର ଲିସବନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ପ୍ରଫେସର ଦର୍ଶନର ପ୍ରଫେସର କାର୍ଲୋସ୍ ଜୋ କୋରିଆ ସେ କହିଲେ ତମେ ତ ପୁଅ ଭଳି ହଁ ତାପରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ପରେ ମୋତେ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ଭଳି ବାଳଖିଅର କରିଦିଆଗଲା ପୁଅ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧେଇ ଦିଆଗଲା ମୋ ନିକ୍ ନାଁ ଗୋଟେ ପୁଅ ପିଲାର ନାଁ ଦିଆଗଲା ତ ଯଦି ପୁଅଟେ ମୁଁ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଗୋଟେ ଝିଅ ବଦଳରୁ ମୁଁ ବାପାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ ଭଳି ରହିଲି ତ ଏଇ କଥାଟି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଲେଖିଲି ସେତେବେଳେ ଲିସବନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଯୋଉ ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ କାର୍ଲୋସ୍ ଜୋ କୋରିଆ ସେ କହିଲେ ତମେ ତ ପୁଅ ଭଳି ଥିଲ ତ ତମେ କେମିତି ମାନେ ଝିଅ ଭଳି ତମର ଇଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେମିତି ହେଲା ତ ମୁଁ ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ ଲେଖିଲି ଯେ ଗୋଟେ ଝିଅ ବର୍ନ ଝିଅ
तार लज्जा तार भय एगुट सब इनबर्न ताको कहीं कहेनी तेणु झीटे ही झी तापर लेखु 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 मो ब्लॉग लिखले मो ब्लॉग मत बहुत ख्याति देला एवं से जो ख्याति देला देश विदेश रे बहुत चर्चा हला मु भारतीय नारीवाद एवं पश्चिमी नारीवाद रो तुलनात्मक विचार भी कली एवं से परवर्ती समय 2010 रे सेंसिबल सेंसुअलिटी बोली गोटे बही बाहरला मोर दिल्ली रु जोटी की गोटे विख्यात बही किंतु मोर लेखालेखी रे एपट दिगरे मु किछि जानी बुझि लेखिनी कहीं के जानी मुझे लिखला बड़े सब बड़े नारी पात्र पाखे मुझे बहुत बेसी न्याय दिए बोधे नारी बोली थी तो स्त्री लोक लेसबियन रिलेशनशिप को लिखी कि गर्भ नष्ट को नहीं लिखी कि बंध्यात्व को नहीं लिखी मातृत्व को नहीं गप लिखी यही विभिन्न समय मेनोपॉज पर स्त्री लोकर मानसिक अवस्था को नहीं गप लिखी ये सब जाणी बुझी लिखिनी कौटी कौटी चरित्र मिल जाती है चरित्र पचर गला बेले यू गप गुड़ी नारी स्वाधीनता कथा मुझे सब बड़े प्रायोरीटी कारण मत लगे जे नारी आज सुधा आम जो मनुष्य संहित कहुची शूद्र आारी नारी मानने माड़योग्य मनीष नुहति मन प्रश्न आसूँ मनीष कहीं माड़योग्य हे यही गोटे मन प्रश्न आसला तापर मु आ गोटे जिनस लक्ष्य कली जे चाकरी करके हाँ दीटा बोधे गोटे स्त्री लोक रोजगार कले भर से इंडिपेडेन्टली रही कि देखी रोजगार कर सब कलेक्टर थी स्त्री लोक माड़ खाऊ पुरुष ठू ये आश्चर्य कथा झील मैंने चाकरी करा कमा कि आम भारतीय मानसिकता हूँ जीन्स पिंधिक ऑफिस को जाओ घरे आसी ओढ़ना देखिए रोसे कर बापा माँ को दौ एवं पूरा गाँवली बहुत ही रो ये जो भितर कन्फ्यूजन हूँ आउ गोटे कथा मुझे विश्वास रखे मुझे संक्षिप्त मो नारीवाद को कह जी लेखा आड़को ओमेन बडी ओमेन राइट रे मुझे विश्वास कै ओमेन बडी कहले मुझे जे गोटे नारी देह अधिकार रहा उचित कारण जिते बड़े गोटे स्त्री लोक कम खावा दि जाऊँगी पुरुष को बेसी खावा दि जाऊपर गोटे विधवा स्त्री लोक को बाध्य कराऊ कि ड्रेस कोड किसी नियम कानून रहा पुरुष को कहनी स्त्री मरीगले गोटे स्त्री लोकर जिते बड़े कन्या भ्रण को हत्या कराऊ मारी दि जाऊँ झील गोटे जन्म करा दरकार ना बोली से शारीरिक मानसिक स्तर में से बहुत कष्ट भोगुची मुझे ओमेन बडी ओमेन राइट देह पर तार अधिकार रहा उचित से छुआ टी रखा चाहब कि ना से कौन खाइबा को भल पाए से खाइब कि ना यू मोर यू आसी गोटे गप अच्छे मोर एंड ऑफ फैसिनेशन बा मोह भंग जो मुझे सब कही निज गहर से निजे ये गपर से गुड़िक कही तो मोर अनेक गपरे मुसबू कहानी गुड़िक मोर जो थियोरी पर थियोरी आसला 2006 थियोरी आसला ता पूर्व मो गपर सब आसी जाइए ऑटोमेटिक आसी जाइए मुझे देखी जे मत लगे बापा फोन करी कहिबे जे आज अमुक 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 तरकारी हबो से तरकारी हुए तो माँ को भल लगुन थोड़ा आमको भल लगुन थोड़ा कि बापा कहिबे से हम ये जिनस मत छोट बड़े भारी कष्ट होता तो एमती भाव मु मैंने नारीवाद आड़ तो आगे मो लेखारसला कि मोर जो उपन्यास मुझे लिखी तर मोर प्रथम उपन्यास हूँ उपनिवेश द्वितीय उपन्यास हूँ प्रतिबंधी तृतीय उपन्यास हूँ स्वप्न खोजाली माने चतुर्थ उपन्यास हूँ मोर महाजात्रा पंचम उपन्यास हूँ गंभीरी घर ये गंभीरी घर मुझे जो लिखिली से गंभीरी घर बहुत चर्चा रे रहिला कारण सेठी नेट रे जो गोटे रिलेशनशिप पुणी पाकिस्तानी लोक सहित गोटे भारतीय महिला रो संपर्क को लेकर लिखाहीतला एवं से लोक मान बाह्यतल मनाला गोटे प्रेम गल्प जदिओ सेठी प्रकृत रे भारत आउ पाकिस्तान भीतर जो संपर्क एवं जीवन संपर्क रे बहुत किछ कथा एठी कहाहीछि गपरे किंतु सेठी आतंकवाद एवं अमेरिकार प्रायोजित जो तालिबान बर्तमान आम कहे बा आतंकवाद
से विषय आलोचना कराई से गपटी में महाजात्रा गपटी से भाई मुझे कहीं तीर्थ करू कहीं गोटे तीर्थ करे को आशार मुख्य पाई तो से मुख्य कौन जिनस मुक्ति कौन जिनस देखापी उपन्यासटी लिखी महाजात्रा जे गोटे दल जाऊंट केदारनाथ बद्रीनाथ जात्रा करी किंतु जो लोकटी सब नास्तिक थिला मद पिता से लोकटी शेष पर्यंत पहुंची एवं भावुची ना आउ थे से फेरी आसब सब समतल को एवं आउ थे जात्रा आरंभ कर बुझे लोक मैंने कौ आशा नहीं तीर्थ जात्रा करती गपटी थी महाजात्रा से भाई स्वप्न खोजाड़ी मान मोर आउ गोटे गप अच्छी उपन्यास अच्छी जोटा कि कलाहां गोटे कलाहां देखिक समस्ते जमी भावती कलाहां ये मानने दारिद्र भेतर रही विश्व मान दरबार भी लोक आसती कलाहां फोटो उठे नहीं प्रचार करने किसी लोक आसटिंग सुटिंग ग्रुप रिटा यूनिट रिटा पा आसी गोटे आदिवासी झील सहित रिलेसन रखुचार देशी बंदूक दौरान कहते बंदूक ने तु रखु तो से बंदूक नहीं करें नक्सल हबनी से बंदूक बिक्री कर चाउल आणिक भात खाइब ये उपन्यास सारी यही भाव में मोर सब उपन्यास भेराइटीज विभिन्नता रही तो बर्तमान सुधा मोटे तथा मत लगे मुझिकल पाने भल गप लिखुंट इत भल उपन्यास लिखुं मुझे लिखि पारुनि सब बेले कहारी गोटे पढ़ीदे मो मन भारी दुख हुए आहा मुझे एमती गोटे भल गपटे लिखि था कि मुझे गोटे भल उपन्यास लिखि था कि मत लगे पुणी पछे पर निजक प्रबोधना दिए हाउ जहाँ है गोटे के लिखी मोर जी पार पर्यत मु लिखिली मो कैपेबिलिटी मुझे लिखिली यही कह मन को मुझे प्रबोधना दे था बोधे मत लगुच आज सुधा मो भल गप भल उपन्यास चाहूवा अन्न मैंने लिखुवा भाया उपन्यास लिखि पारे कि गप लिखि पारे धन्यवाद मुझे मोर गोटे कहानी आपण मान को शुणा को चाहिए एवं आपण कहानी टी भिन्न धरण जमीती क्यमेराटे बुलू सब चरित्र आड़ को अलग अलग कर चरित्र मान निज भर्सन में कहते मो गल्प जीवन जामिति मो गल्प ना हूँ जीवन जामिति कॉल हर डॉगी तो माँ टा गोटे कुत्ती बुझलु ताकू डॉगी डाकिबु यूकेजी कार्नेशन सेक्शन रे पढ़ुवा पुपुन किछि बुझी पारे ना ता बापा कौन कहवाक चाहूंगी से भावे मामा तो मामा से डॉगी हेबो केमिति बाबा भयंकर रूप धारण करी मामा ऊपर को माड़ी जाती आखि बुझी हो जाए से केबे केबे रोडी छाड़ी कांदी आरंभ कर दिए आउ केबे धाई जाए माँ को मुकुल चेष्टा करे बाबा जिते समय घरे था गज गज हो मामा लुह पोछु थाए से मामा को आउसी देवा चाहू थाए बाबा चेहरा देखी डरी जाए बेले बेले से साहस करी रोसे घर को घर पिठा खड़िका आनी बाबा को पिटी पकाउ थाए मो मामा को छाड़ मो मामा को छाड़ी दियो कही केबे केबे बाबा ताकु कोलोरे पुरे गप करती मामा से रोसे घरे थाए बाबा कहती तु जानीचु मु भगवान मु जहाँ को चाहे भी मारी पारिबी ध्वंस करी पारिबी मामा को भी उपुन पचारे हाँ मामा को भी कहीदे कई खेल चुप हो जाए से ना तमें भगवान नुह भगवान समस्त को बचाती किए कहला तो मामा ना मैडम मैडम कहले भगवान हम सबका मालिक है वो हम सबको बचाते हैं मिछ मिछ जो मैंने लंबा बाल रखती लिपस्टिक लगाती से मानु किसी जना न थाए मु भगवान मन रख आपन देखे बाबा जोर जोर हसु था कैमेरा अलग आड़ को जीव प्रति थर नुआ नुआ ईश्वर को से डाके
नुआ नुआ ईश्वर यही धर्म 33 कोटी देवता अच्छा पाणी पवन आकाश देवता मान को छाड़देले ग्राम देवती नगर उवास रक्षाकर्ती देवी मान अच्छा प्रति जीव देह भगवान अच्छा जीव टीए तो देवता टीए तीन कोणिया पथर टीए गछ को आउजी बसी जाणी से देवी टीए क्या नड़िया क्या रूपा टिकिली क्या माटी घोड़ा देवी तो क्या मंदिर पीतल घंटी झुलेबी क्यापाई अष्टप्रहरी करेबी तो क्यापाई उषा उपास नवरात्रि रखी एमती किसी ना कि वर्ष तमाम चली थाए तार पुणी केतेबले हनुमान चालीसा तो केतेबले ललिता सहस्र नाम मात्र बदली जाए ना कि दिने ओलिए थंडा पड़ जाए पुणी झड़ उठे से कांदे फोन करी माँ बापा को जनाए माँ बापा जो बसी था पथर ही जाती से हाथ गोड़ चले कौन करे बुझी पारती ना बापा गप कविता लिखी दुख भूलती किसी समय पर दुख दुख और लुह लुह हो बहीगला माँ फोन कर सांत्वना दिए केवे विद्रोह करने को कहे अधिकांश समय खाली तारी पर छटपट हो से बिंदुए सुख अपेक्षार बसी रहे ईश्वर मान खटुल खाली आखि खोली हसु था मु पुलिस पाखक जी मु खबर कागज वाला जनईबी मु महिला कमिशन नालीस करी अति उत्तेजित हो गले माँ लुह पोछी निज अंतरंग बांधवी और संपर्क मान को कहे केते गाँ गंडा अल्प पाठुआ लोक जदि न्याय पाइबा लड़े कर माँ को सांत्वना देउथवा लोके कहंती काहेकि पारिबनी टोकाटा को गोटे शिक्षा दबा उचित असल कथा कौन कहना कौन पाई सेमिति हेउछि से या पछर जौतुक फौतुक कारण नाही तो समबेदना जणौथवा लोकटी पालटा प्रश्न करे मते तो मुह खोली किछि कहि नाही ता माँ कहे झीओ किंतु कहची या पछरे जौतुक छड़ा किछि नाही सांत्वना देउथवा बांधवी जनक कथार मंज को धरी पकेला पर झट पर कही पकांती से कथा कहुन ता माँ असहाय हो जाए आजिकाली जौतुक फौतुक चली छी सिंघी माछ भली कथा पदक ता माँ मुहर खसी आसे ऊपर को किछि नुह सब भितर भितर चली ना केमिति ए सब पळेबो संसार रु मनीष सभ्यता थिबा जाए ये लोभ मोह गुड़ा मशा माछी लेके भण भण हेउथिबे परा पाखरे लोके चालाक हेलेणी मुह खोली मागिबे पुणी जेल खटिबे ना कौन ता माँ नीरव हो जाए जेमिति चारिआड़े बैशाखर धू धू खरा अति आलुअरे जालुआ जालुआ हो जाए आखि जीवन गोटे बिंदुरे स्थिर होगला पर लगे या पर कौन हब जे एमिति उदु उदिया खरा बेलटे देखेदेव जीवन जना नथिला तो ता नीरवता देखी अंतरंग बांधवी जनक पचारती भलरे देखी चाह बंधु कर मनीष भितर पशिब केमिति काहेकि पचरा पचरी खोज खबर नहीं नथिलो किछि तथापि मनीष चरित्र भेदी हुए ये सब भाग्य भाग्य कही ता माँ दोष ठेली दिए अदृश्य उपर को से दिए जे जार मोबाइल धरी बसी था कही कहारी सांगे कथा हो न था पुपुन से ध्यान भांगी पार्टी करे पटी पटी पुपुन को लगे बाबा माँ दीटा कार्टून रो चरित्र नोबिता की केनेची परी फिशिंग रड धरी चुपचाप पानी की चाहिए बसी जेते बड़े जाए हाथोड़ी की डोरेमोन न आसीबे सेते बड़े जाए बसी रही थी से डोरेमोन हो जाए ताकु झाड़ा न लगुले भी से जोर चिल्लाए पटी पटी बाबा बड़ पाटी कहती बड़ पिला हेलुनि एबे निजे पैंट खोली झाड़ा जाऊनु से कौन निजे कमोड़े बसी पारिबो ता मामा कहे पुपुन को कमोड़े कमोड़ बड़ कणा देखले बड़ डर लगे काले गली पड़िबो ता मामा बेबी सीटर प्लेट आनी रखंती तथापि ताकु डर लगे से सबको कमोड़े ठुंका करी बसई दियंती पुपुन पायखाना रे बसी गीत गाए हैंड सावर पानी स्प्रे करी खेले साबुन भिजाए लिक्विड हैंड वाश ढाले ओ मझीरे मझीरे बड़ पटे हे गला बोली पटी करे मामा मोबाइल भितर बुड़ी रही कह जाऊ मामा ताकु धुए सफा करे वाशरूम विपर्यस्त अवस्था देखी विरक्त हुए पुणी फेरी जाए मोबाइल रे बुड़ी रहे से सोफा रु सोफा डे नाचे टीवी वॉल्यूम बढ़े घर कंपे दिए बाबा बड़ पटे धमकांती बाबू तते माड़ दरकार साउंड कमा से टीवी साउंड अल्प कमे दिए ता बाबा मन को पाए नी
से प्लग खोली टीवी को बंद कर दे जाती चल पढ़ु से जाने बाबा पाठ पढ़ा मान गोटे प्रश्न सागे तीन टा माड़ चार गाड़ी से कहे खेल ता बाबा ता संगे गोटे अजब खेल खेलती चटाण से गड़े कहती चिकेन को धोई सफा कर कर एबे काटो काटो हाथ पापुली को छुरी करी ताकु काटू था और से हसी हसी गड़ी जाऊ था बाबा ता देह लुण हलदी लंका गुंड मिसला पर एपट सेपट करू थांती आउ कहू थांती हे लुण पड़ा हे लंका गुंड पड़ा एबे हलदी गुंड भल करी गोले दिए रह से हसी हसी गड़ गड़ी जाऊ था ता देह सारा कुतकुत बाबा चल बाबा चल पढ़ कहे बाबा चल पढ़ कहे ओ मोबाइल धरी बसबे पुपुन डाके बाबा रह डिस्टर्ब करना से तार सब खेलना नहीं आसे था करू ड्रॉइंग रूम चटाण से गदा कर दिए ता भितर थाए भंगा अधभंगा बस हेलिकॉप्टर बैटरी नथिबा चलत शक्तिहीन ट्रेन चक नथिबा कार रंग बेरंग बिल्डिंग ब्लॉक चालू नथिबा बंदूक क्रिकेट बैट कथा कहू नथिबा सुआ स्टेथो नथिबा डॉक्टर से खेलना गदा भितर रोबोट टा हटात चलिबा आरंभ कर दिए केते बेले तो केते बेले लाइट जले टुंग टुंग शब्द करी कारटे अस्तित्व जाहिर करू थाए से खुशी रे ताली मारी मामा पाकु दौड़े बाबा पाकु को दौड़े मो रोबोट मो कार देख देखी जाओ ना प्लीज थरे खाली हौ हेला तू खेल अरे देखी जा ना से दांत कामुड़ी कहे मु देखिली परा ता मामा कहे मिछ मिछ कहछ मिछुआ रागी जाए कहे ता मामा को बोर करना बहुत काम अच्छी ता माँ रागी जाए बेसी हैरान करबी तो पाठे पाठ पढ़े बसिकी से निरस्त्र हो पड़े गोटे लंबा ना शुणाए तापर निज सांगे निजे बक बक करू करू घू टू भितरे से एकला हो पड़े से माने समस्ते निज निज परिधि भितरे थांती कदबा क्वचित रविवार मानक शांति थाए नचे अधिकांश सप्ताहांत शनिवार घरे झड़ उठे बाहर को कांद छिटिकी जाए चित्कार अश्लील शब्द सब ज्वलंत बारूद भली जाली दे थाए परिवेश से माँ पाख को मेसेज कै मु थकी गलि आनी माँ आज पुणी कौन है किसी ना अभ्यास निदरु उठू उठू चालू हो गला ये केमी संभव बिना कार्य कारण किसी भूल करनु तमें सब बड़े मो भूल अंडाणु था से कथा नुह रे झी कि तो कारण थी ना कारण कौन आ मो कथा सुंदर नुह मो चाली सुंदर नुह मो चेहरा सुंदर नुह मु भल नुह मो घर लोक भल नुह मु अजोग्य मो पुह अजोग्य या तो किसी अफेयर ना तो तार ये जाणी लुचे लुचे क्या सा चैटिंग करुछंती सेल टाक पासवर्ड दे बंद कर रखी थे से वाश्रूम पलैते व्हाट्सअप गुड़ाए झीं नंबर देख ली ता अफिस सहकर्मी होते हैं असना कथा कौन सहकर्मी की लेखती हे झी ए व्हाट्सअप फेसबुक संपर्क गुड़ा फुकला एगुड़ाक चा कफी परी घर भात हांडी घर तरकारी जो मर्यादा ता कौन होटेल चा कफी रे थाए तु एत समय बस चैटिंग करुचु से सन्देह करनी से बेसमेंट जा क्या सागे फोन गपुचंती सन्देह कर ना झी जाली पोड़ी छारकार करदेव जीवन मुझे लुचि लुचि बेसमेंट पाखु शुणिली कथा ठीक असना कथा तू कहीं शुणुलु झी तो मन कष्ट ना नहीं कि विचित्र कथा कह बाबा जदि तुमको छाड़ अं क्या सागर संपर्क रखते कौन मुझ घर संसार भांगी दिंती बिलकुल ना आम मध्यवित लोक गुड़ा बड़ भीरु रे झी बहुत कांदू बहुत प्रतिक्रिया प्रकाश करू मात्र किसी उल्टे देवा भाई शक्ति आमर ना छाड़ से सबू मु एका मोर के ना झी कहला सेमती कहना झी आम समस्ते अच्छु मु रखुची से आसिले चैट मेसेज सब पोछीदे माँ व्यस्त होते स्ट्रेस स्ट्रेस आउ कि नुह कि बुझी पारानी ता माँ अन्यमनस्क पचारा निजर बांधवी को स्ट्रेस माने इतने अबुझा कौन अच्छी चाप मानसिक चाप ढोके चा पी नहीं कही से आजिकल पा मान पाप भितर रोचार चाकरी स्थिरता नहीं मृत्यु जेको समय आसला भाई चाकरी जेको समय तुमको छाड़ी पलि जापर ए कथाटी घुण पोक तुमको खोल कर खोल कर देव भितर भितर आजिकल पिला समस्या सेटा
आमे थोड़े ट्रेन में जाऊ टोकाटीए ये 40 वर्ष भितर हे यांग गपी गपी जाऊला क्यों गोटे सफ्टवेयर कंपानी कम कै कहला आमर हजार मालिक जेकोसी समय चाकरी चली जबार भय रोचे इड़े कस्टमर को सन्तुष्ट करने दरकार सियाड़े मैनेजर को खुशी कई पटेकी रखा दरकार अंआड़े अधस्तन मानु कम आदाय दरकार गोटे पटु बिगड़ी गला तो गला पूरा सिस्टम बिगड़ी जीव बड़ स्ट्रेस भितर रहा पड़े केत बेकर आई कार्ड रघा काढ़ी नहीं सिक्यूरीटी गार्ड तुमको गेट बाहर छाड़ दे आस तुम्हें जान नते चापर जड़े कम करना पेनसन मेडिकल सुविधा न थी सबकि अस्थिर क्षण आ क्षणस्थायी आपण मैने सिना टा को आम टा को देखती आम जानु भितर कथा आम भितर क्षोभ आक्रोश अथयपण जीव कड़े जमीती हेले तो बाहर ना तेणु घर को आसी सब स्त्री पिला पड़े ता माँ बांधवी कथा शुणी कहले हाँ से कड़े आजिकल बहुत विच्छेद अति साधारण कथा होगला देखुना घरे घरे झील गुड़ा बाहरी आसी बाप घर बसले से कथा बांधवी भी खीय जोड़ी था आम समय नाई जे गाड़ी मंद खाई पड़ी था झील गुड़ाक भी आडजस्ट कर पार ना पुअटे जहाँ पढ़ला झीटे तो से पढ़ला से कहीं तलिया ही रुन आम समय अलग कथा था जहाँ भी कह ता माँ केवल स्ट्रेस पाखे ही अटकी तार मन पड़ा झी कही कथा प्रतिदिन अफिस आसी ज्वाईटा केमी टाके छेची दे जाए तुमको बाड़े मत भल लगे कहे ता माँ आउ लुचे पार्ला ना बांधवी आगे झीर माड़ खाइबा कथा सुअ ठेली पा बहीगला भाई कथा गुड़िकला बांधवी जनक कहले कि कथा झीटा एत कष्ट अच्छे कोठी गोटे शुणी तो आजिकल स्क्राप हाउस सब रहा बड़ बड़ सहर मानक स्क्राप हाउस से पुणी कौन ये कबाड़ी कबाड़ी दुकान ता माँ पचारि था ना ना कबाड़ी नुह आजिकल पिला स्ट्रेस कमेबापी स्क्राप हाउस को जाऊँच भंगा फ्रिज टीवी सोफा चेयर टेबुल रही ठेंगाटे कि रोटे खंडे धरी भांग मन इच्छा भांग राग न सर जाए भांग चाकरी स्थल पॉलिटिक्स न भूलिबा जाए भांग छिंछतर कर प्रमोशन न पाइबार क्षोभ न सर जाए भांग विदेश न जापार व्यर्थता छाती उड़ी न जीवा जाए ठेंगारे पिटी पिटी फ्रिज को कदाकार कर गोटे समय आसव छाती सब व्यर्थता उभान हो शुणिले आश्चर्य लगुचना बांधवीटी पचारा जीवन आमको जोग ध्यान अनुसंधान रु आनी क्यों रेस्कोर्स पड़े ठिया कर देख मु आजिकल राति राति सोई पारुनी माँ झील लिखी था मु भी सोई पारुनी झील बड़ डर लगुची के घटना घटीजी तो ओह मो जीवन कथा भाव मु भावनी मु मलापर मो पाटार कौन हे भावुची भगवान छड़ा कहीं मार्ला बाला ना तु एत दूर कहीं भावुचु झील एथर मेसेज कला कहते 16 डिसेंबर निर्भया पर रड पुरे मारिदेवी पगलटा कि सैडिस्टा कि घर लोक कहते तू सब मीछ कहु सेमती कि घटूना सब लोग से कहती माँ निज दोष कौन किए देखे से मैंने कहते यू तू स्वप्न देखु एवं जदि सेमती कि घटव तू सीधा पुलिस स्टेशन चली जीव ता माँ लिखला छोट हूँ कि मेसेज कर झील अफलाइन हो गला माँ तमर बाबा से कविता मन अच्छे तोरे जंगल को आसबार नाला माँ अगना अगनी बनस्थ भितर कंटा झंटा सियाली लटारे आबुड़ा खबुड़ा अबाट बाटरे धंदी हे लाखी जाई झुंटी पड़ी आक्ता मक्ता हेबार नाला माँ तोर आकाशे तारा हेबार थिला बगीचारे फूल माँ मु आसुची बिना रिजर्वेशन रे जनरल टिकेट रे मु पहुंचुची माँ मो पाद तले माटी और निश्वास नापी विशुद्ध पवन टिके लोड़ा थिला मु गोटे भयंकर पृथ्वी बाहरी आसुची माँ केते बेलू के जानी एमती मेसेज टे पड़ी रही थिला व्हाट्सअप्रे लक्ष्य कर ना ता माँ 24 घंटा छोट छुआटा को धरी जेनेल डबारे आसब जमी बहुत दिन रु पहाड़ छाती भीतर रुंधी हुई रही झरणाटे बाट पाई उछुड़ी पड़ी ता माँ को खराब लगलानी एवं झीटा रास्ता पाईला से लिखला आ माँ तो डेणा कणीबार प्रतीक्षार थी तो
तो डेणा देखी भारी खुशी लगिला। हा चलिया विस्तीर्ण आकाश पड़ी उड़ीबा पाई। हा चलिया बहुत बहुत धन्यवाद सरोजनी साहू जी आपके वक्तव्य के लिए और आपने जो कहानी सुनाई उसके लिए भी। इसको बहुत से लोगों ने YouTube पर देखा है और उम्मीद है कि आगे भी इस कार्यक्रम को और भी लोग देखेंगे, क्योंकि ये Facebook, Twitter और WhatsApp के माध्यम से लोगों के द्वारा शेयर किया जाएगा। मैंने एक कमेंट डाला था YouTube में कि यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो वो आपसे पूछे, लेकिन कोई प्रश्न तो नहीं आया। तो उम्मीद करता हूँ कि सबको आपकी कहानी पसंद आई होगी और आपकी रचना यात्रा इसी तरह से आगे बढ़ते रहे और आप शतायु हो और आपकी उपलब्धियां और आगे बढ़े और भी उपन्यास और भी कहानियां आपके कलम से जो है निःसृत हो और हम पाठकों तक पहुंचे। इसी उम्मीद के साथ मैं साहित्य अकादमी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया और एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हम प्रस्तुत कर पाए YouTube के माध्यम से, यह वर्चुअल कार्यक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।